हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ड्रामा सीरियल नमक हराम में असमा की शादी मुरीद के साथ होने जा रही है। यही फैसला है अमीन कुरैशी का, लेकिन असमा जाकर मुरीद से कहती है कि वो किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए ताकि बाबा का फैसला कुछ और हो सके। मैं एक नौकर के साथ शादी नहीं करना चाहती और तुम ये जेवरात और डॉक्यूमेंट उठाओ और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन मुरीद कहता है कि हम जद्दी पुश्ती नौकर हैं, हमारे माँ बाप ने यही समझा कर हमें भेजा था कि यहाँ से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए, मर कर ही निकलना चाहिए, जिंदा तुमने यहाँ से भाग कर कहीं नहीं जाना। और मैं अपने ये असूल नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और इसके लिए मैं जाकर साहब से खुद ही इनकार कर दूंगा। फिर वो जाकर अमीन कुरैशी से मिलता है और उसे बातचीत करता है और उसे कहता है कि मुझे इस घर से बगावत की बू आ रही है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो, मजीद बगावत आपको बर्दाश्त करनी पड़े। तो अमीन कुरैशी से कहता है कि तुम खुलकर बात कर सकते हो, लेकिन मुरीद यहाँ पर कहता है कि मेरी इतनी जरूरत नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक जद्दी पुश्ती नौकर हूँ, बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, अगर हिम्मत दें तो एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो भी बहुत बड़ा दिल करके, बहुत हिम्मत पैदा करके। तो फिर वो घबराने की एक्टिंग करता है, अपने माथे पर पसीना लाने की एक्टिंग करता है और फिर अमीन कुरैशी से कहता है कि आप असमा बीबी की शादी असल से कर दें। अमीन कुरैशी को जाहिरन तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसको ये बात दिल पर लगती है और वो जाकर अपनी बीवी से इसका जिक्र करता है और फिर अपनी बहन से भी इसका जिक्र कर देता है। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल नमक हराम। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।